नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली टू आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनेस कौन कौन सा है चेक करते हैं सबसे पहला इंडिया फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच मोबिलिटी लिमिटेड जिसे स्विच भी बोलते हैं ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस अनवील किया है स्विच ई ए ट्वेंटी टू तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन है हाइएस्ट सेफ्टी एंड बेस्टिंग क्लास कंफर्ट फीचर्स है तो ये दुनिया का पहला सेमी लो फ्लोर एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक डबल डेकर है दोस्तों ठीक है नाउ इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया का फ्यूचर है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना है अगर हमारा फ्यूअल इम्पोर्ट बिल को रिड्यूस करना है ऊपर से एयर पोल्यूशन को अगर कर्ब करना है ठीक है इंडिया का थर्टी फाइव परसेंट ऑफ पोल्यूशन के लिए डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स जो है वही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हाई टाइम हो गया दोस्तों इंडिया को कोल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एथेनॉल मेथेनॉ बायोडीजल बायो सी एन जी बायो एल एन जी ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अगला है ए के टू जीरो थ्री असोल्ट राइफल्स ए के टू जीरो थ्री असोल्ट राइफल्स का मैन्युफैक्चर शुरू होगा अमेठी उत्तर प्रदेश में अंडर द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था रशिया यूक्रेन वार की वजह से डिले हुआ है वैसे इंडिया और रशिया के बीच में एक इंडियन गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट इज आई साइन हुआ था फेब्रवरी टू में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए के टू राइफल्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पहला सेवेंटी थाउजेंड राइफल्स इंडिया में प्रोड्यूस होगा विद ए फेस्ट इंक्रीज इन द एक्सटेंड ऑफ लोकलाइजेशन फ्रॉम 5% परसेंट टू सेवेंटी परसेंट तो देखिए पहले क्या होगा केवल 5 परसेंट लोकलाइजेशन होगा बेसिकली लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा फिर धीरे धीरे करके वो 70 परसेंट तक होगा दोस्तों बाकी जो 6 लाख रिमेनिंग राइफल्स है वो 100 परसेंट लोकलाइजेशन से प्रोड्यूस होगा ठीक है ए के टू जीरो थ्री असोल्ट राइफल्स के बारे में लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वेस्ट दोस्तों एके फोर्टी सेवन राइफल का ए के फोर्टी सेवन राइफल्स के बारे में आपने सुना होगा वन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट राइफल है दोस्तों इसका फुल फॉर्म है आउट ऑफ कलश निको राइफल ए के राइफल्स का बेसिकली कलश राइफल्स का सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है दोस्तों ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करते हैं इसे कीचड़ में डालो पानी में डालो सांढ में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऑपरेट करेंगे अभी के हिसाब से आर्मी नेवी और एयरफोर्स में इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यूज़ होते हैं दोस्तों जिसे इंसास बोलते हैं ठीक है थीके? तो उसी को रिप्लेस करेंगे ए के टू जीरो थ्री असोल्ड राइफल्स जो है वैसे इंसास राइफल्स के साथ इश्यू क्या है दोस्तों हाई आल्टीट्यूड में यूज़ करने के लिए ये सुइटेबल नहीं है दोस्तों कभी कभी राइफल जाम होता है ऑयल लीकेज होता है तो एके टू जीरो थ्री असोल्ट राइफल्स जैसे इन राइफल को रिप्लेस करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वैसे इंडिया और एशिया के बीच में कौन कौन से और बाइलेट्रल प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है दोस्तों बेसिकली डिफेंस प्रोजेक्ट्स इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ टी नाइनटी टैंक् है सो थर्टी एम के एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मिक ट्वेंटी के एयरक्राफ्ट सप्लाई करेंगे रशिया कमो थर्टी एंड मी सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स भी सप्लाई करेंगे जो मिक ट्वेंटी एयरक्राफ्ट अभी

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या फिर यूपीआई डेवलप किया था ये दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सोल्यूशन है दोस्तों वैसे रुपए कार्ड स्कीम भी एन ने ही डेवलप किया था वैसे यूपीआई पेमेंट्स को आजकल दूसरे कंट्रीज में भी एक्सेप्ट कर रहा है तो लेटेस्ट यूनाइटेड किंगडम का मार्केट में भी यू का क्यू कोड बेस्ड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे इसके लिए एन पार्टनरशिप बनाया है पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट इंटरनेशनलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स पेमेंट सोल्यूशन किंगडम। वैसे UPI अभी तक 39 बिलियन ट्रांसैक्शन कंप्लीट कर चुका है यूपीआई का एंड इट इज वर्थ रूपीज नाइन फोर्टी बिलियन यूएस डॉलर इक्वल टू थर्टी वन परसेंट ऑफ इंडिया जी डी वैसे रुपये कार्ड के बारे में आपको मालूम होगा डोमेस्टिकली डेवलप्ड ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है अभी तक 70 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स इशू हो चुका है दोस्तों वैसे जुलाई 2021 में भूटान दुनिया का पहला कंट्री बना था जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट किया था वैसे लास्ट फरवरी में नेपाल में भी यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू किया था एनपीसीए के बारे में एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एट ऑफ द दू थान ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है अगला है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बी नेम्ब आफ्टर भगत सिंह पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ये अनाउंस किया है पंजाब और हरियाणा मिलकर ये एग्री किया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली का नाम फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के नाम पर करेंगे वैसे 2016 में हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास किया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करने के लिए तो शॉर्टली चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैसे भगत सिंह के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों सबको मालूम होगा रेवोल्यूशनरी थे बोनास भागन वाला ऑन ट्वेंटी सेवन्थ सेप्टेम्बर ही ग्रू अप इन ए पेटी भूषवा फैमिली ऑफ संधु झाट्स सेटल्ड इन जलंधर डॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पेटी भूषा फैमिली मतलब क्या होता है देखिए भूषवा मतलब होता है मिडिल क्लास पिटी भूषा मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो सोसाइटी है ना उसे आप पेटी भूषा बोल सकते हो वैसे ये जो भूषवा शब्द है ये आपको मार्क्सिज्म में कम्युनिज्म में ज्यादा देखने को मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये जो बुर्जुआ शब्द है बहुत ज्यादा यूज होता था ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर बने थे दोस्तों जिसे सच्चिंद्रनाथ सान्याल ने शुरू किया था द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द एसोसिएशन वाज चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह इनको पहली बार अरेस्ट किया था 1927 में ऑन चार्जेस ऑफ एसोसिएशन विद द काकोरी केस 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज किए थे आज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन्हें अरेस्ट किया गया था एंड चार्ज इन मर्डर सोन्सोंग विध राजु एंड सुखदेव को ट्वेंटी फोर्थ मार्च नाइनटीन थर्टी वन को हैंग किया था पर सेंटेंस को एक दिन पहले कर दिया गया लाहौर जेल की तरफ से एंड ही एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री अगला है गवर्नमेंट आइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ तिलापिया फिश कल्टिवेट इट फॉर ग्लोबल मार्केट देखिए तिलापिया फिश का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इंटरनेशनली ट्रेडेड फूड फिश है दुनिया का तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बेस्ड फाउंटेन हेड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को फंड करेंगे फॉर इट्स एडवांस्ड इंटेंसिव ऑल मेल तिलापिया कल्चर प्रोजेक्ट विथ इसराइली टेक्नोलॉजी तो ध्यान दीजिएगा इसराइली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इस कल्चर प्रोजेक्ट के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है दोस्तों एक स्टैच्यूटरी बॉडी है ये लोन अस्टेंस प्रोवाइड करेंगे महाराष्ट्र बेस्ड फाउंडेन हेड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को ऑफ रुपीज एट पॉइंट फोर टू करोर आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन एट करोर टू द कंपनी वैसे इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट

जैसे कि हाई ग्रोथ रेट है लो टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंस है लाइट कलर है बेसिकली अट्रैक्टिव कलर है अगला है न्यू स्पीशीज ऑफ गेको फाउंडेड स्पीसीड हिल्स कहां पे लोकेटेड है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है दोस्तों हिल्स में एक फेमस पीक है वो है कूडम ठीक है वैसे अगस्त्यलि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व केरला एंड तमिलनाडु में स्प्रेड है ठीक है

And a food region. ए फूड रीजियन इनके बॉडीज oftenly a हार्ड exoskeleton से कवर्ड रहता hai दोस्तों जैसे कि आपने स्नेल्स में शेल्स देखा होगा ना तो वैसे तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मोलस्क बोलते हैं जो मोलस्क के बारे में स्टडी करते उन्हें मैलाकोलॉजिस्ट बोलते हैं ध्यान दीजिएगा तो ये न्यू स्पीश का नाम दिया है बेसिकली साइंटिफिक नेम है सिर्टो डैक्टिली कॉमन नेम है अरविंद ग्राउंड को फाइनल न्यूज इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूअल सेल बस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवील किया है डेवलप्ड बाई केपीआईटी सी एस आई आर इन पुणे केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी है सीएसआईआर क्या है आप सबको पता होगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड एयर को यूज करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसमें आज बाई प्रोडक्ट केवल हीट एंड वाटर बनते हैं दोस्तों तो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करते हैं दो तीन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा किस तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करते हैं हर्दीदी नाम के साथ आप सर्च कीजिएगा वैसे मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं देखिए कन्वेंशनल बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं इलेक्ट्रोलिक्स रहते हैं वो सब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी है होता यह है दोस्तों मान लीजिए कैथोड है और यह

प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में सेपरेट करते हैं और ये जो प्रोटॉन्स एंड प्रोटोन दोनों सब पार्टिकल्स हैं हैं ये दो डिफरेंट पाथ यूज करते हैं दोस्तों कैथोड तक पहुंचने में जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ ना अब जो प्रोटोन है वो क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करके क्याथोर तक पहुंचेंगे जहां ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये हाइड्रोजन फ्यूअल सेल ऑपरेशंस का बेसिक से दोस्तों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पर सर्च कर सकते हो तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर की पीडीएफ एस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है